हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सीफर्ड ऑस्ट्रिया। और अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है, इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। सो हम लोग रेडी हो गए, नाउ विल हैव आर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करेंगे, फिर वी आर गोइंग टू, एज आई सेड यस्टरडे, वी आर गोइंग टू वेनिस। अब हम जा रहे हैं इटली, फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इटली में सबसे पहले वी आर गोइंग टू वेनिस। इधर से 3.5-4 आवर्स का ड्राइव है, और फिर उधर से वी नीड टू गो ऑन एक पोर्ट पे ड्रॉप होंगे, और फिर एक पोर्ट में, पोर्ट से वी नीड टू गो इन टू अ बोट, क्योंकि वहाँ पे सब पानी पे ही है। तो लेट्स गो गाइस, विल टेक ब्रेकफास्ट और उधर से फिर विल गो टू वेनिस। आई होप यू लाइक इट। अ हार्ट स्पीड टू द सिटी स्ट्रीट्स, we begin to feel the fire, we rise like. So guys, finally we are in the Italy country now, so we are on our way to Venice. Almost half distance is covered, abhi aur 200 kilometers baki hai. This is a place which we have taken a break. You can see here washroom break. Idhar weather mast hai, finally we are in the sun. विंटर अब ठंड से बाहर आ गए, और इधर भी आप देख सकते हो कि यार सनलाइट है ब्यूटीफुल, और पीछे माउंटेन्स। दीज आर द वाइन यार्ड्स हियर, आप ये देख सकते हो, दे आर ग्रोइंग हियर, इट्स एब्सोल्युटली ऑसम, लविंग इट इन इटली। हाई गाइज, वी रीच्ड वेनिस हेयर, और अभी मैं जहाँ स्पॉट पर हूँ, दैट इज़ दी पोर्ट इन वेनिस, जहाँ से वील टेक अ बोट एंड वील गो टू द वेनिस आइलैंड। सो बात करें वेनिस की, सो दिस वेनिस इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन इज़ द मेन लैंड, जहाँ पे लैंड है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स वुड डू द बिजनेस स्टे, एंड अदर इज़ दी वेनिस आइलैंड्स, which is that which is the tourist place where all the tourists go. So that is nothing but a group of islands. वहाँ पे जब वहाँ पे सब पुराने buildings और जो भी आप movies और जो भी देखते हो, that is there. It's nothing but a group of islands जो sea के exact नज़दीक है, and this is covered by this Adriatic Sea. और वहाँ पे अराउंड कुछ 130 आइलैंड्स हैं, एंड ऑल दोज हाउसेज एंड ऑल आर बिल्ट ऑन वाटर विद हेल्प ऑफ वुडन पाइल्स। तो उस हिसाब से, एंड दिस वेनिस इज़ अ वेरी 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 ओल्ड सिटी, अराउंड 1000 ईयर्स फ्रॉम दैट एज दिस सिटी इज़ देयर। सो दोज बिल्डिंग्स वी आर गोइंग टू विजिट, देर आर 2-3 प्लेसेस विच वी आर गोइंग टू विजिट इन वेनिस विच आई विल शो यू। और हमारा लंच अभी है बोट पे ही, जो बोट हमें आइलैंड पे ले जाएगा उस पे ही, फ्रॉम दिस पोर्ट। सो द लंच इज़ अरेंज्ड ऑन दैट ओनली, सो वील एंजॉय द लंच एंड द व्यू, एंड देन वील रीच वेनिस। सो विल आई लेट यू नो, ओके, लेट्स गो गाइस, वेनिस आइलैंड। दिस इज द बोट विच विल गो गाइस।
गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज द फेमस गंडोला राइड वेनिस। इसका प्राइस है कुछ अराउंड 80 यूरोस द चार्ज फॉर 5 पर्सन, बट आप अगर एक या दो हो तो भी आप कर सकते हो। दिस द गंडोला राइड, ऐसे आपको बीच में पूरा सिटी में रोम अराउंड इन द आइलैंड्स, सो यस यू कैन एक्सपीरियंस दिस। पीछे आपने जो बिल्डिंग देखा गाइस देख रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जेल्स यहाँ पे है। ये भी कुछ पुराना बिल्डिंग है, मैंने We are walking towards the center of Venice Island, guys. ये सब आजू बाजू, these are very old buildings, अभी भी it's the same. So आइए, अभी यहाँ पे बहुत सारा rush है, there are lots and lots of tourists from around the world. बहुत सारे groups भी आए इधर, mainly it's a tourist place, आपको tourists बहुत ज़्यादा मिलेंगे इधर। Hi guys, we are at the center of Venice Islands. आप ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो, that's a church which is known as Saint Mark's Church. ये चर्च अराउंड 1000 years old है और बहुत ही यूनिक और हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है वेनिस का। जो भी टूरिस्ट आते हैं आप देख सकते हो इधर आते हैं, एक मेजर मेन स्क्वायर है ये वेनिस आइलैंड्स का। तो इसका आप डिज़ाइन देखोगे ये चर्च का, इट्स अ काइंड ऑफ, जो रेगुलर चर्चेज होते हैं ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा मॉस्क का भी डिज़ाइन मिलेगा, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन आर्किटेक्चर विच इज़ नोन एज बास्टियन आर्किटेक्चर। तो उस हिसाब से ये बनाया था, क्योंकि पीपल देर, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम देर वॉज कोलोब्रेशन बिटवीन दीज रोमन्स एंड दी Eastern part which is Turkey, Istanbul. So there are lot of Muslims there. So that's why it's a kind of combination, this kind of architecture. और इसके सामने ये जो बड़ा सा tower दिख रहा है, that is nothing but a clock tower in which after every hour or whenever there is a church or whenever you want to call someone for prayer, यहाँ पे एक bell है ऊपर जो बजता है just for awareness. और ये जो आप पूरे बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये जो इधर के रूलर थे, रोमन रूलर, उनके जो ऑफिस हैं, द ऑफिस यूज टू बी हियर। सो ये बिल्डिंग है, ये बनाए जहाँ पे सब ऑफिस हैं। और उधर आप जो ऊपर देख रहे हो, दैट्स अ ओल्ड क्लॉक विच इज़ बीइंग बिल्ट ड्यूरिंग द रोमन टाइम। ये भी कुछ 600-700 साल पुराना क्लॉक है, बट अभी भी वो दैट इज़ वर्किंग। सो व्हेनेवर After every hour, that those two persons move and that ring bells. So yes, ये पूरा, और वो जो एक है वो है इधर के एम्पायर का पैलेस जहाँ पे वो रहते थे। So this is the Venice, one of the main square. तो आप इधर आ सकते हो whenever you are around. ये सब मेरे पीछे है, दैट इज़ दी ओल्ड ऑफिस ऑफ दी रोमन एम्परर, देख सकते हो पूरा स्क्वायर में बना है। और ये जो एग्जैक्ट पीछे है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियंस बिल्डिंग, क्योंकि नेपोलियन जब इधर आया था तब ही स्टेड हियर, तो उसका नाम ऐसे ही पड़ गया है। और पीछे सेंट मार्क्स चर्च जो मैंने बताया, और दैट इज़ द टावर।
यू आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ वेनिस, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पतले पतले स्ट्रीट्स हैं एंड देर आर शॉप्स एवरीवेयर. सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग इट, वेनिस. फूड वाइज यहाँ पे एक दो कैफेज और रेस्टोरेंट में देखा, यहाँ पे भी सेम कल्चर है, पीपल आर सिटिंग आउटसाइड एंड ईटिंग, बट इतना कॉस्टली नहीं था, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट. यहाँ पे बैठने के भी दे चार्ज यू, सो इफ यू आर सिटिंग इन एनी ऑफ दी ओपन कैफेज और रेस्टोरेंट, मेक श्योर यू ऑर्डर समथिंग, अदरवाइज फॉर सिटिंग ऑल्सो दे चार्ज सम यूरोस, प्लीज कीप इन माइंड. द फेमस गंडोला राइड इन वेनिस, तो आप मूवीज में देखते रहते हो. ये आपको इधर दे चार्ज अराउंड 80 यूरोस फॉर 5 persons. सो अगर आप 5 लोग हो देन यू कैन शेयर इट, बट आप कपल में हो तो वैसे भी जा सकते हो या फिर इंडिविजुअल भी जा सकते हो. आपको मेन आइलैंड से ही बहुत सारे ऐसे गंडोला राइड्स वाले मिल जाएंगे, सो यू कैन फाइट. और ये पूरा एक आप देख सकते हो, इट्स जस्ट स्ट्रीट ऑफ वेनिस, पूरा पानी से, पानी के ऊपर, एंड दी गंडोला राइड्स आर गोइंग हियर. यस, और ये आजू बाजू आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, दीज आर ओल्ड बिल्डिंग्स, वेरी ओल्ड सिटी. So, Mrs., how are you enjoying the streets of Venice? कैसा एक्सपीरियंस है इधर? अच्छा है. अभी हम ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से वो गंडोला राइड पास होती है ना. ये अलग अलग टाइप के पिज्जा बेस है इधर, सो आप इधर पिज्जा पास्ता भी ट्राई कर सकते हो. वेनिस में बहुत सारे कैफेज और शॉप्स मिल जाएंगे आपको. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. मैं गाइस बहुत सारे लोग यहाँ गंडोलाज में गाइस बहुत सारे लोग प्रपोज भी करते हैं. आप शेप्स भी देख सकते हो, स्पेशल हार्ट शेप भी होता है अलग अलग, सो यू कैन प्लान इट अगर आपको अगर इधर कुछ स्पेशल करना हो तो. ये एक ब्रिज है, सो ऐसे ही ब्रिज आपको दिखेंगे, मीन्स यहाँ पे ऐसे ही सब स्ट्रीट्स कनेक्टेड है बिटवीन वाटर, तो ऐसे ब्रिज बहुत मिलेंगे आपको. It has just begun as she puts her hand in mine.